जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रेवल बडी गोपाल स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए सफर, एक नई यात्रा की ओर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों इंडिया की सबसे फेमस और सबसे लग्जरियस ट्रेन के बारे में ट्रेवल इन्फॉर्मेशन, जो कि है दोस्तों पैलेस ऑन व्हील्स। कुछ लोग इसे महाराजा एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह ट्रेन सच में आप लोगों को महाराजाओं वाली फीलिंग देती है। यह है पटरियों पर दौड़ता महल। टिकट की कीमत सुनकर तो निकल जाएगी पैरों तलों की जमीन। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आप लोगों को इस ट्रेन की हर जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। राजस्थान कई राजवंशों, किलों और महलों, विविध संस्कृतियों और जीवित रंगों की एक अद्भुत धरा है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन इस भूमि के शाही अनुभव के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, जो पटरियों पर एक जगमगाते महल की तरह दौड़ती है। पैलेस ऑन व्हील्स नई दिल्ली से चलकर हर बुधवार सप्ताह भर के लिए राजस्थान आती है। पगड़ी पहने हुए स्टाफ यहां पारंपरिक तरीके से यात्रियों का स्वागत करते हैं और उन्हें ट्रेन से जुड़ी हर एक जानकारी देते हैं। रेल रात को चलती है और हर सुबह एक नई पड़ाव पर पहुंचती है, जहां यात्रियों को भ्रमण करवाया जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस ट्रेन को दुनिया की 10 सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्रेनों में से माना जाता है। यह ट्रेन 26 जनवरी 1982 को अपनी पहली यात्रा शुरू की और तब से यह राजस्थान भ्रमण का एक लोकप्रिय तरीका रहा है। कुछ वर्षों के भीतर पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ शानदार ट्रेन यात्राओं में से एक का दर्जा दिया गया। 14 वातानुकूलित कोचों के नाम पूर्व राजपूत राज्यों के नाम पर रखा गया है, जो शाही अतीत के सौंदर्य, शास्त्र और इंटीरियर से मेल खाते हैं। गर्म और ठंडे पेय पदार्थों और जलपान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सैलून में एक मिनी पेंट्री है। ट्रेन में आधुनिक सुविधाओं को सोच समझकर जोड़ा गया है। बैठने के लिए सोफा, आरामदायक साथ सामान के साथ शानदार ढंग से लगे बेड, इनबिल्ट वार्डरोब और विशाल कांच की खिड़कियाँ इस ट्रेन को एक मनमोहक रूप प्रदान करती हैं। ट्रेन में आप लोगों को दो रेस्टोरेंट्स और बार मिलते हैं, जिनका की नाम है महाराजा और महारानी, जिसमें राजस्थानी माहौल नजर आता है। इन रेस्टोरेंट्स में कॉन्टिनेंटल, चीनी, भारतीय और राजस्थानी व्यंजन परोसे जाते हैं। रेस्टोरेंट की खिड़कियों के पास सोच समझकर बैठने की व्यवस्था की गई है। पैंट्री में रसोइये राजस्थान के व्यंजनों पर जोर देने के साथ कॉन्टिनेंटल और भारतीय कुजीन को तैयार करते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स में एक अच्छी तरह से स्टॉक किया हुआ बार है, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के सबसे अच्छे ड्रिंक्स पेश करता है। ट्रेन में कुल 14 बैठकें और कमरे हैं, जिसमें प्रत्येक में डबल बेड है, साथ में अटैच बाथरूम है। यहाँ आपको सोफे सहित अलमारियाँ और बाकी सुविधाएं भी मिलेगी। इन रूम्स का इंटीरियर इतना खूबसूरत है कि आपकी नजरें नहीं हटेगी, या किसी भी लग्जरी होटल वाली फील यात्रियों को देते हैं। कि बड़ी बड़ी खिड़कियों से चाय की चुस्की के साथ गुजरते हुए शहरों को देखना शानदार अनुभव है। ट्रेन में मौजूद महाराजा और महारानी रेस्टोरेंट में यात्री कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस सुपर लग्जरी ट्रेन की सुविधाएँ यहीं खत्म नहीं होगी। ट्रेन में आपको शाही स्पा, विभिन्न प्रकार की मालिश करवाने का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको हेल्पर के साथ क्रैश तक की सुविधा मिलती है। पैलेस ऑन व्हील्स इस दुनिया की सबसे रोमांचक ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन यात्रा में यात्रियों को सभी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। ट्रेन की शुरुआत दिल्ली से होती है और जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा से गुजरने के बाद इसकी वापसी होती है। यात्री अपने डेस्टिनेशन के अनुसार किराया भरते हैं। इस ट्रेन में प्रति व्यक्ति किराया प्रति रात करीब 49,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक किराया लगता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महंगे किराए के कारण इसमें यात्रियों की कमी रहती है। यह ट्रेन हमेशा हाउसफुल रहती है, यानी कि फुल बुक पहले से ही हो जाती है। हम लोग बात करते हैं इसके कंप्लीट रूट के बारे में, तो आप लोगों को बता दूँ कि यह ट्रेन की जो जर्नी है वो करीब 7 रात और 8 दिनों की होती है। यह ट्रेन न्यू दिल्ली से बुधवार के दिन निकलती है, जो कि इसका पहला दिन होता है। उसके बाद में यह गुरुवार को जयपुर पहुंचती है सुबह 6:30 बजे और शाम को यहां से वापस निकलेगी 7:30 बजे। फिर शुक्रवार को यह पहुंचेगी सवाई माधोपुर सुबह 5:30 बजे और रात को निकलती है यह यहां से 10:30 बजे। शुक्रवार के दिन चित्तौड़, सैटरडे के दिन उदयपुर, संडे जैसलमेर, मंडे जोधपुर, ट्यूसडे भरतपुर एंड उसके बाद में आगरा एंड वापस ये दोस्तों वेडनेसडे को यानी कि 8वें दिन दिल्ली पर अराइव करती है करीब करीब में 2:30 बजे। तो यह है दोस्तों इस ट्रेन की एक कंप्लीट यात्रा। आप लोगों के पास भी दोस्तों यदि पैसा है और आप लोग भारत के राजशाही जगहों के बारे में जानना चाहते हैं और एक अच्छा सा टूर आप लोग अपनी फैमिली के साथ में करना चाहते हैं, तो इस ट्रेन में एक बार जरूर विजिट करें। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और साथ ही साथ आप लोग राजस्थान को पास से भी देख सकेंगे। यह राजस्थान घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। साथ ही साथ इंडिया की सभी रॉयल सिटीज़ आप लोग इसमें कवर कर सकते हैं।
ऐसा भी नहीं है कि यही केवल एक ट्रेन है जो कि इंडिया आप लोगों को लग्जरी दिखाती है, और भी कई सारी ट्रेन्स हैं जो कि आप लोगों को लग्जरी तरीके से भारत भ्रमण करवाती हैं। उन सभी ट्रेन्स के बारे में मैं आगे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कि ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं, जिन्हें कि ट्रैवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, यदि आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द टिकट बुक करिए, वरना यह ट्रेन हाउसफुल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, जल्दी लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, एक नई लग्जरी ट्रेन, एक नया ट्रैवल डेस्टिनेशन। तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।